तो फेक कॉल कर, मतलब अपने को लगना नहीं चाहिए कि वो लोग फेक फोन कर रहे और इन ऑफिशियल। तो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो, सब खैरियत से हो। तो हमने फिर से एक नया ब्लॉग बनाया है, और वो भी किस वजह से, वो आप लोगों ने वो पहले छोटी क्लिप में देख चुके हो, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि फ़ोन पे वाले ने मुझे फ्रॉड कॉल किया था। मतलब वो फ़ोन पे वाले नहीं थे, कोई और लोग थे, पर फ़ोन पे के नाम से मुझे कॉल किया और मेरे अकाउंट पे उन्होंने फ़ोन पे के नंबर पे मेरे मैसेज भेजा 4499 का। 4499 का मुझे मैसेज किया, और फिर मैसेज करने के बाद बोल रहे थे कि मुझे पे कर दो, मतलब वो एक्सेप्ट कर दो उसको, मतलब पे था उस पर लिखा हुआ पर एक्सेप्ट का बोल रहे थे। तो वो एक्सेप्ट का बोला था पर उस पे लिखा हुआ था मुझे पढ़ना आता था, तो मैंने पढ़ लिया, तो उस वजह से मैंने उसको पे नहीं किया, उसको कैंसिल किया। तो कैंसिल किया तो उस पे पैसे नहीं गए, तो वापस बोलता है सर हुआ नहीं क्या। तो मतलब मुझे पता तो था कि नहीं हुआ है, पर मैं वो करना नहीं था, और फिर मैं ज़्यादा उससे बात करने जाता तो ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई उससे। तो आप सुन सकते हो मैंने क्या बात करी और क्या नहीं, और छेले बात करते हुए उसने फ़ोन को कट कैसे किया, तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे। हाँ जी सर, आप फोन पे कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। हाँ उसमें जी आपको कैशबैक ऑफर आई है सर 4999 रुपए का, अभी तक सर आपने उसको रिसीव नहीं किया, आपने चेक नहीं किया क्या कूपन को सर? 4999 सर, सॉरी। आपके फोन पे सर उसको ये मेरा भाई सोनू चेक कीजिए सर, फोन पे ओपन कीजिए ना लाइन पे। मैं और मेरा भाई सोनू दोनों मिलके सुन रहे थे। खाते में पैसे तो थे गाइस, पर मेरा भाई सोनू और हम दोनों मिलके मतलब पैसे झूठ बोल रहे थे कि खाते में पैसे नहीं है, बोलना पड़ता है ना ताकि पैसे ना लूट ले। और मैंने गलती किया कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा वो फ़ोन पे पे, कि इसका स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा उसने क्या भेजा था। मतलब वो तीन ऑप्शन देते हैं वहाँ पे, कैंसिल, नॉन कैंसिल। तो उसको कैंसिल करेगा तो भी वो रिपीट में आएगा, और नॉन कैंसिल करेगा फिर भी रिपीट में आएगा, मतलब करना है क्या उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम लोग ने कैंसिल ही अभी ऑप्शन भी नहीं किया, उसको इसे दे दिया और खाली कैंसिल पर कैंसिल किया उसको। तो बोला अब उसके आगे का सुनिए आप। एक तो फेक कॉल करके बोल रहा है लाइन पे हूँ, मतलब बहुत बिजी इंसान है बंदा, तो माने तो जेंटलमैन है, बहुत बड़ा बंदा है, मतलब दिमाग से उसके हिसाब से उनके हिसाब से ऐसा लगना नहीं चाहिए
हम उनको फैक फॉलो उनको लगना नहीं चाहिए कि अब हमको कौन, तो उनको मतलब अपने को लगना नहीं चाहिए कि वो लोग फेक फोन कर रहे और ऐसा बताते हैं जैसे वो बहुत बिजी इंसान हो। सर आपके नाम पे नहीं दिखाई, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है सर आपका? नितिन कुमार सिंह। बस इतना ही बोला और फोन उसने कट कर दिया। मतलब हमने बात करी 3 मिनट 43 सेकंड उनसे, उससे बात की। मतलब ऐसे लोग हैं अपने यहाँ पे कि पैसे लूटने के लिए कुछ भी बन के आ जाते हैं और फोन पे की कंपनी का नाम बर्बाद कर रहे हैं। मतलब फोन पे कंपनी को बदनाम कर रहे हैं और है नहीं वो फोन पे वाले, मतलब फ्रॉड लोग हैं वो, खाली पैसा अपना हेटना चाहते हैं। तो हमने तो उससे दिखाई और हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, हमारे पैसे बच गए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं और मेरे भाई ने दोनों ने गेम कर डाली उसके, और उसने मैं ज़्यादा बात करना चाहता उससे, मेरे भाई ने भी वटा दिया। मतलब मेरा भाई हैंडल कर रहा था और मैं सुन रहा था, मैं सोचा कि मैं उसकी थोड़ी लूँ, पर भाई बोल रहा है वेट कर, पहले पूछ लेते प्रोसेसिंग जान लेते। तो उसके चक्कर में हमने प्रोसेसिंग जानने को उसका नाम पूछा, उतने फ़ोन उसने कट कर दिया। मतलब बंदे डर गया हो कि ये लोग ले डालेगा अब मेरी, इस वजह से उसने फ़ोन कट कर दिया। तो आप भी सतर्क रहिए और हौसले दिए, ऐसा कोई फ़ोन आए फ्रॉड कॉल आए तो उसको दिल पे मत लीजिए, दिमाग पे मत हावी करिए और उसको सावधानी से हैंडल कीजिए। और वो जो जैसा बोले वैसा नहीं करना है, हमें अपने हिसाब से समझना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कैंसिल का ऑप्शन है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो हटाई दीजिए, वो एक से भी मत कीजिए। उसको 10 गालियाँ दीजिए लेके, तो ताकि वो दूसरों के साथ ऐसा ना करें, सुधर जाए। तो चलो इसी ब्लॉग को अभी हम ख़त्म करते हैं। चलो खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।